उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जय मां लक्ष्मी पूजन समारोह आजाद हिंद क्लब कथरिया के द्वारा कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। पिंटू कुमार ने बताया कि हम युवा देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जागरूक होना है और अपने देश से आतंकवाद खत्म करना है। मैं आज़ादी क्लब का एक सदस्य हूं और हमारे गांव के जितने बच्चे हैं इस कम्युनिटी को जोड़ते हुए हम सोच रहे हैं कि हमारा गांव हमारा मोहल्ला भी विकास तो जिस प्रकार से आप आज़ाद हैं और कितने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं, हम जाना चाहें आप कितने वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे करते थे लेकिन हम पिछले साल इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने युवा हैं हमारे साथ में करके को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि आगे ऐसे भी हमारा साथ देंगे। हमारा मोहल्ला भी हमको बहुत सहयोग दिया है। जिस प्रकार से आप अपने क्लब के सदस्य हैं, आपको इस क्लब का सदस्य होने पर और इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने में कितनी खुशी होती है कुछ बताएंगे? हमको खुशी का क्या आपको इजहार करें, खुशी का हमको बहुत है क्योंकि बहुत हमारे मोहल्लावासी का हमारे जितने सदस्य हैं हमारी बातों को लेकर चलते हैं और हर चीज़ को मानते हैं और ये हमारा कोशिश है कि हमारा जो है कि गांव प्रगति पर चले। इस चीज़ को लेकर के आगे आएंगे बच्चे, मौका मिलेगा तो युवा जो है अपने मार्ग से भटक गए हैं और वो कहीं किसी दूसरी दिशा में बढ़ते हैं और आप अपने क्लब के माध्यम से करने में लगे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे? ये तो माता रानी का आशीर्वाद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भटके हुए युवा हैं हमारे साथ मिल करके कुछ करें जिससे ये हो कि मतलब कि बच्चे आज आगे भी दिखें, आगे जाकर कुछ विकास करें। हमारा ये मतलब सबसे पहले यही हमारा उद्देश्य है। जी हम ये जानना चाहते हैं आज इस बड़े पैमाने में जो कार्यक्रम चल रहा है इसके माध्यम से पूरे देश में क्या संदेश देंगे? अब देश में हम तो सबसे पहले ये देंगे जो हमारे यहाँ आतंकवाद है, जो हमारा देश जिससे पिछड़ा हुआ है, सबसे पहला मुद्दा हमारा आतंकवाद है। ये बच्चे जो आगे चल करके इस देश का भी कुछ भविष्य बने, तो हमारी युवाओं को यह संदेश देना है कि हम हमारे लिए सबसे पहले देश है। इस कमेटी को जो हम लाए हैं यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे विकास करें, आगे जाकर देश का जो है कि कुछ उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना कुछ कर दिखाएं।